Recording in progress. इट इज फाइन, ओके, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर फोर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर बेटा, ड्रॉ द डायग्राम. आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो, तभी समझ आएगा आपको. आपको देखने में कैसे वाले एंगल्स लग रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर में? हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर फोर, डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है इसकी. टू लाइंस क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, कैन यू सी? ए ओ बी एंड इट इज बी, एंड यहां पे आपके पास है सी ओ डी. ठीक है बेटा, टू लाइंस आपस में क्रॉस कर रही है. कोई मेरे को बताएगा जब टू लाइंस क्रॉस करती है तो कैसे एंगल्स बनते हैं आमने सामने वाले? वेरी गुड, ये तो पता है आपको. तो ये भी 42 डिग्री है, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा? बीओडी. बीओडी 42, यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो अभी हमने निकालना था एओडी, बीओडी. ठीक है, बीओडी तो निकल गया हमारे पास, तो फर्स्ट हमारा एंगल है एओडी निकालना. एओडी कैसे निकालना है? ठीक है, अभी एओडी जो एंगल है आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है. हर एक क्वेश्चन में बेटे आपने सबसे पहले लीनियर पेयर के बारे में देखना है, उसके बाद वर्टिकली अपोजिट के बारे में देखना है. यहां पे आपको लीनियर पेयर कौन से दिख रहे हैं? ये एक लाइन है सी डी, एक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर टू एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये टू एंगल्स जो है वो कौन कौन से हैं? ये और ये. कैन आई आस्क आर्यन, सेवंथ ए, मेरे को बताओगे ये तो दोनों एंगल किस टाइप के बन रहे हैं? इनका नेम क्या है? 42 और एओडी किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं? सेवंथ ए लीनियर पेयर. ओके, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो इसलिए हमारे पास एओडी क्या होगा? हमारे पास 42 डिग्री प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर से इसे रीजन लिखो इसका, लीनियर पेयर. ओके, एओडी हमने फाइंड आउट करना था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया. तो एओडी और 42 डिग्री दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो यहां से हम एओडी निकाल सकते हैं. प्लीज फाइंड आउट 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री. 138, वेरी गुड, 138 डिग्री. तो आपका एओडी का वैल्यू आ रही है 138 डिग्री, मार्क कर लो इसको. ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है बीओडी, सेकेंड एंगल बीओडी. बीओडी तो आपने मेरे को पहले ही बता दिया था 42 डिग्री. इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है बेटे, आपको बेटा रीजन भी साथ साथ में लिखना है. ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर रीजन साथ में लिखोगे तो टीचर को बहुत इजी लगता है मार्क्स देना. ओके बच्चे, रीजन के साथ लिखोगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और टीचर को भी पता चल जाता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है, इसलिए उसने ये एंगल लिखा है. ओके ओके, लास्ट एंगल एक रह गया हमारा, एंगल सी ओ बी. ये भी आपको पता चल गया आपको, 138 सी ओ बी. या वेरी गुड, ये 138 क्योंकि वो 42 का फिर से लीनियर पेयर बन रहा है. चलो, हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? सी, यस, वेरी गुड, प्लीज मार्क इट. अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट क्लियर है. ओके, ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आते हैं. अभी आगे ट्रांसवर्सल वाले आएंगे, फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसवर्सल का. ठीक है बेटे, फाइन. एसर्शन एंड रीजन बेटा किया था हमने लास्ट टाइम, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने. यस, केस स्टडी क्वेश्चन. चलो केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके बाद फिर सेकेंड असाइनमेंट करेंगे. ओके,
केस स्टडी क्वेश्चन, फिर से आपके पास एक डायग्राम है, क्योंकि ये लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर है, तो बिना डायग्राम के तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ओके, केस स्टडी वाला क्वेश्चन डायग्राम में इधर ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो, इट इज गिवन टू यू। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो नोटबुक में, तो आपका 50% काम हो जाता है, ठीक है? क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाता है। आर एक्स वाई जेड, ठीक है? फिर से आपको कुछ कुछ लीनियर पेयर दिख रहे हैं, थोड़े से आपको वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं, दोबारा से वही चीजें लगने वाली है जो अभी हम करके चुके हैं। ओके बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू एंड एस टी इंटरसेक्टेड ओ, पी ओ आर इज गिवन 90 डिग्री, कैन यू सी दिस इज परपेंडिकुलर? आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री है, लिख Yes. भी मैम लो इसको डायग्राम, यस डायग्राम में लिख लो इसको 90 डिग्री। ओके, एंड एक्स रेशियो वाई हमें दिया हुआ है 3:2, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू थ्री। बेटे जब ऐसे वाले एंगल्स आते हैं ना, रेशियो वाले, तो अभी हम सबसे पहले उनको कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। आपने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है? और आपने सिंपल इक्वेशन में पढ़ा था कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 3y/2। एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है बेटा? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक्स की भी और वाई की भी। अब हमें यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है? बिकॉज एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल अगर 90 है तो उसके सामने वाला एंगल भी 90 होगा, एक्स प्लस वाई। कोई डाउट है इसमें? नो, वेरी गुड। ये 90 है तो वो भी 90 होगा, ऑफ कोर्स होगा, कॉमन सेंस से, है ना बेटा? अब उसके सामने वाला एंगल क्या है, उसमें एक एंगल नहीं है, दो एंगल है, कौन कौन से, एक्स प्लस वाई। तो हमने दोनों को लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें यहां से पता था कि एक्स की हमारे पास 3y/2 है, तो हमने एक्स की जगह 3y/2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं रीजन साथ साथ में लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ये स्टेप क्यों लिख रहे हैं। हमने लिखा था यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3y/2, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन का एक क्वेश्चन बन गया है जो आपने पहले चैप्टर किया हुआ है ना बेटा? तो इसका हम एलसीएम लेंगे, 3y+2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? ये याद आया आपने सिंपल इक्वेशन में किया था ऐसा, वाई मीन्स वाई बाय वन, अकेला वाई का मतलब क्या होता है, वाई बाय वन, ठीक है बेटा? अभी हमने जब एलसीएम लिया, 2 इज एलसीएम, तो ऊपर आपके पास आ गया 3y+2y। एनी डाउट इन दिस स्टेप? नो वेरी गुड। चलो, व्हाट इज दिस 3y+2y, 5y/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को प्लस कर दिया, ये अभी हमारा सिंपल इक्वेशन का चैप्टर वो हो रहा है, रिवाइज हो रहा है चैप्टर। ओके, तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम हियर, 90 × 2 180, वाई इज इक्वल टू 180/5। ओके, वी कैन फाइंड आउट वाई फ्रॉम हियर, 5 3 15, 36 इज द आंसर। 5 30, वाई इज इक्वल टू 36 डिग्री। वाई 36 है और अभी हमने एक्स निकालना है, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो अभी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा,
3 × 36/2, बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या थी, 3/2 था ना, तो हमने वाई की वैल्यू वहां लगा दी और वो बन गया 3 × 36/2। यहाँ पे किसी को डाउट है एक्स से ये कैसे आया, एनीबडी? चलो फिर कैलकुलेट करो इसको, इसको काट रही है, 18 × 36 एंड 18 × 3 = 54। एक्स इज इक्वल टू दिख नहीं 54 डिग्री, रहा, ठीक है? मैं दिख नहीं रहा। ओके मैं इसको ऊपर लिखती हूँ फिर बेटा, शैल आई राइट हियर, इसको मैं यहां तक आपको आई थिंक दिख रहा होगा, वाई की वैल्यू दिख रही है बेटे आपको? ओके यस देन आई एम राइटिंग हियर, वाई की वैल्यू के बाद हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाली है 3 × 36/2, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू भी निकालनी थी, 18 × 36 एंड 18 × 3 = 54। आपको रफ में कैलकुलेट करना है तो रफ में भी कर सकते हो एक बार चेक करने के लिए। ओके बेटा तो आपके पास टू वैल्यूज आ रही हैं, एक्स की वैल्यू आ रही है 54 और वाई की वैल्यू आ रही है 36 डिग्री। ओके तो बताओगी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है फर्स्ट की? नो, ऑप्शन। किसने बोला बी, रेज योर हैंड। यस, आगे आके बताना पड़ेगा कैसे बोला आपने, सेवन बी। यस यस गर्ल्स, आगे आके बताओ फटाफट, बी ऑप्शन इज करेक्ट बट कैसे? बेटे आपको पहले एक्स की वैल्यू बतानी है फिर वाई की बतानी है। यस यस यस, आगे आ जाओ, शाबाश, 7D। Because of we first have to find out the value of x and then y. देन वाई, यस, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटा ये अलग अलग लिखे हुए हैं, पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है फिर वाई की निकालनी है, अगर किसी आंसर में पहले वाई की लिखी हुई है तो वो रॉन्ग हो जाएगी। ओके तो इसलिए आपकी ऑप्शन आएगी बी, इसको स्टार लगा लो, वेरी केयरफुली यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, एक्स और वाई की थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ओके बच्चे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल जेड, अभी जेड भी निकालना है हमने, एक्स और वाई निकाल लिया तो जेड भी निकालना है। जेड तो बहुत अच्छे से क्लू मिल रहा है आपको डायग्राम में, कौन बताने वाला है मेरे को? यू नो जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन से एंगल्स बन रही है? वाई एंड जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एंगल्स लीनियर लीनियर पेयर। पेयर, लीनियर यस प्लीज राइट डाउन द रीजन ऑल्सो, लीनियर पेयर। ओके तो वाई आपको पता है तो जेड की वैल्यू निकाल लो, वाई आपको पता है 36 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज एच, माइनस करके बताओ जल्दी से। 136 144 डिग्री, जेड इज 144, आपकी ए ऑप्शन इज मैचिंग, ए को टिक मार्क कर लो। ओके देन एंगल ओ एंड एंगल पी ओ एस, इसको जेड को काट के पी ओ एस कर लो बेटा थर्ड क्वेश्चन में। आई लेट मी क्लीन दिस, थर्ड क्वेश्चन में आपको जेड के बदले में वहां पे लिखना है पी ओ एस, थर्ड क्वेश्चन, एंगल ओ, एंगल ओ एंड एंगल पी ओ एस, पी ओ एस कर लो इसको क्वेश्चन में। ठीक है बेटे, क्वेश्चन इज एंगल ओ एंड एंगल पी ओ एस आर फॉर्मिंग, कैसे एंगल्स बना, मैम लीनियर पे लीनियर पे दीज आर नॉट लीनियर पेयर, दिस एंगल पी ओ एस एंड एंगल ओ, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर नहीं बन रहे हैं बेटा, क्यों नहीं बन रहे हैं?
क्योंकि हमारी जो लाइन है वो ऐसे आ रही है, ऐसे करके ऐसे आ रही है। ये ओ एंगल है आपके पास, यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे आपके पास एस है। ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर नहीं है। वाई? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये कौन से एंगल बनेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, प्लीज रिमेम्बर। बेटी एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर देखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है और यहाँ पे एक एंगल होता, फिर मैं बोलती वो लीनियर पेयर है। बट यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, वो तो साइड पे चली गई, मुड़ गई थोड़ी सी, दिख रही है आपको? ठीक है, ये अगर एंगल होता, अगर यहाँ पे एस होता, यहाँ पे पी होता, यहाँ पे आर होता, तो मैं कहती कि ये दोनों लीनियर पेयर है। इज इट क्लियर टू यू कि लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल्स में क्या डिफरेंस है? लीनियर पेयर और एडजेसेंट की दोनों की कॉमन आर्म होती है, इसमें भी है वो इसमें भी है। डिफरेंस क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स होते हैं, ये दो एंगल स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो तो भी वो बनते हैं, और उनको लीनियर पेयर नहीं बोलते क्योंकि वो लाइन के ऊपर नहीं बन रहे। रेज योर हैंड, इज इट क्लियर टू यू कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? रेज योर हैंड, वेरी गुड। ठीक है बेटे, लीनियर पे तो आपने बड़ी बार क्वेश्चन कर लिया, अब आपको पता चल गया कि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर दो एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर बनेंगे। अगर मैं लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं नीचे से और ऐसे दो एंगल्स बना दूं तो वो लीनियर पेयर नहीं बनेंगे। ओके, तो इनका नेम क्या होगा बेटा? थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एडजेसेंट एंगल्स, ऑप्शन एडजेसेंट। यस, एडजेसेंट एंगल्स, ए ऑप्शन। प्लीज मार्क इट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट ऑप्शन हैं? POS एंड QOT, POS एंड QOT, इसको मार्क कर लो। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज POS एंड QOT आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? लेट मी कॉल द नेम। मनमीत कौर, सेवन बी, आगे आ जाओ। वेरी गुड, कैन यू टेल मी व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? पहले हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कौन सी होते हैं, जिसमें मेरे को वैसी नॉलेज के लिए बता दो, पता है आपको? यस, बताओ बताओ। वेरी गुड, आई कांट हियर यू, थोड़ा लाउडली बोलोगे बेटे? आंसर यस, द सम ऑफ एंगल द एंगल्स हूज सम इज 90 डिग्री। एंगल्स हो सम इज 90 डिग्री। ऑल राइट, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, राइट? तो इसमें ऑप्शन हमारी कौन सी मैच कर रही है? डी डी ऑप्शन, ऑप्शन। डी ऑप्शन, वेरी गुड। कई बच्चों ने कर भी लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन है डी। बेटा ये रिवाइज करने हैं आपने घर जाके, अभी तो आप मेरी हेल्प से कर रहे हो, जब आप घर पे करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। ओके okay? चलो, दिस इज ओवर बेटा। फाइन, कम टू मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आपके पास, पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद मैं ये टेबल वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, मैम डन। मॉड्यूल 2 कर लिया है क्या पहले?
फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, यस आई रिमेम्बर, इंटीरियर एंगल्स हमने किया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किया था, ऑल्टरनेट एंगल्स किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किया था, कॉन्ग्रुएंट भी किया था. कॉन्ग्रुएंट याद है आपको जो मैंने बताया था? व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स? जिनका सेम साइज होता है. कॉन्ग्रुएंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं. टू शेप्स जिनका सेम साइज, सेम आर्म, सब कुछ सेम होता है, एक दूसरे के ऊपर आप रख सकते हो, जैसे ऐसे है आपको लगेगा कि ये एक ही हैंड है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ओके, तो अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर. मॉड्यूल टू, क्वेश्चन नंबर वन. फिगर दी हुई है इसकी बहुत अच्छी सी, प्लीज ड्रॉ इट. फिगर बेटा कॉपी में ड्रॉ करो पहले. साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फिगर का, और उसका नेम बहुत क्लियरली लिखोगे आप तब आपको समझ आएगा. मॉड्यूल टू, क्वेश्चन नंबर वन. डायग्राम इसकी बहुत अच्छे से ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको. जब आप ड्रॉ करोगे बेटा पैरेलल लाइंस शो करनी है आपने, पैरेलल लाइंस से आपका क्वेश्चन फिर बनना है. एक्चुअली लाइंस आपकी पैरेलल दिखनी चाहिए तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा. ओके, इसका नेम दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, दिस इज ओ, दिस इज पी. प्लीज ड्रॉ नीटली बेटा. कई बच्चे इसको फ्री हैंड से बड़ा अच्छा ज्वाइन कर लेते हैं. फ्री हैंड से पेन को जब दबा के लिखोगे ना बेटा तो बहुत अच्छी फिगर आती है स्ट्रेट लाइंस में. आपकी तो नोटबुक में लाइंस भी होंगी तो लाइंस के ऊपर आपको स्ट्रेट लाइंस बहुत अच्छी आती हैं. ओके बेटे, इसमें आपको 39 डिग्री दिया हुआ ये एंगल, 39 डिग्री, नोट इट डाउन. ए पी इज गिवन 39 डिग्री. फाइंड एंगल सी ओ एफ, फाइंड एंगल सी ओ एफ, ये चीज फाइंड आउट करनी है आपको. सी ओ एफ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है उसको भी मार्क कर लो बेटा, ताकि हमारा फोकस उधर ही रहे कि हमने वहां तक पहुंचना है. मार्कर इज नॉट विजिबल. मार्कर इज नॉट विजिबल. ओके, आई विल चेंज इट. नाउ इट इज फाइन. मैम बी ऑप्शन. यस, आपके बच्चे ने कर भी लिया है. यस, ये ए है, बी सी ई एफ, दिस एंगल इज गिवन 39 डिग्री, देन दिस इज गिवन ओ. ओके, दिस इज पी, दिस इज डी. सी ओ एफ निकालना है आपने बेटे. मैंने अभी दोबारा इसको ड्रॉ किया है तो आपको बेटा दिख रहा है सबसे पहले कि ये टू लाइंस पैरेलल है, जो गिवन एंगल है वहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है. ठीक है, हमने दो चीजें इसमें देखनी है कि जो गिवन एंगल है उसके साथ हमें ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है. अब आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है ये टू पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 39 के साथ मेरे को ये वाला एंगल बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये 39 डिग्री होने वाला है. इनका नाम बताओगे आप कौन से एंगल्स है ये? सिमरन, पीईसी एंगल 39 डिग्री है, इसका नाम क्या होगा, क्यों होगा ये 39 डिग्री? इंटीरियर एंगल. नो, दीज आर नॉट इंटीरियर. सेवंथ सी में से एकम फ्री, सेवंथ सी. ओके चलो, या यस टेल मी बेटे.
जब ट्रांसवर्सल की मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसवर्सल की एक लेफ्ट साइड भी होता है, एक राइट साइड भी होता है एंगल, उनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. एंगल PEC इज इक्वल टू 39 डिग्री इज इक्वल टू एंगल APE, APE. ठीक है, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसलिए ये वाला एंगल 39 डिग्री होगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अब आपको दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 39 है तो ये एंगल भी 39 होगा. ये ट्रांसवर्सल है, ये सर टू एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो कौन से एंगल्स होंगे ये और ये? एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग वेरी गुड. एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 39 डिग्री, यहां पे लिख लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, पहले हमारा ऑल्टरनेट एंगल लग रहा था, अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लग रहा है. अभी हम धीरे धीरे COF के पास पहुंच रहे हैं. यू रिमेम्बर जो क्वेश्चन हमें, जो एंगल हमारा पूछा गया था, उसके पास हम पहुंच चुके हैं. नाउ यू कैन टेल मी वेरी इजिली कि ये दोनों एंगल्स किस टाइप के एंगल्स हैं. लीनियर पेयर एक्सेलेंट, लीनियर पेयर, लीनियर वेरी गुड. तो निकालो फिर COF निकालो. वेरी गुड, इज ऑप्शन इक्वल मैम टू 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री. 141 वन फोर्टी वन यहाँ पे रीजन 141 लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर. ओके, मैंने आपको बताया था विदाउट रीजन कोई भी क्वेश्चन नहीं हम करेंगे. ठीक है, जब आप बाद में रिवाइज करोगे आपको जल्दी से समझ आ जाएगा कि ये कौन से एंगल्स इक्वल आ रहे थे. 144, सॉरी 141 इज अ ऑप्शन, दिस इज बी ऑप्शन. ओके, चलो नाउ ड्रॉ द फिगर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. ये तो बहुत छोटी सी फिगर है और ये ट्रांसवर्सल है. दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज बी. बहुत ही छोटी सी फिगर है और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. इन द गिवन फिगर ए एंड बी आर ऑल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर. ऑल्टरनेट क्यों है? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड भी है, एक राइट साइड पे है. इंटीरियर क्यों है? क्योंकि दोनों ही लाइंस के अंदर है. ठीक है, तो वैसे बेटा ये जो एम लाइन है ना, दिस इज ड्रॉन रॉन्ग. आप जब नोटबुक में ड्रॉ करोगे इसको ऐसे ड्रॉ करना, नहीं तो वो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. इट शुड बी पैरेलल, पैरेलल होंगे तभी तो लाइन एंगल्स इक्वल आएंगे ऑल्टरनेट. अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी ऑल्टरनेट की, है ना बेटी? एम की डायरेक्शन ठीक कर लो जरा, अपनी असाइनमेंट में भी ठीक कर सकते हो, अपनी नोटबुक में भी ठीक कर सकते हो. एम को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तभी ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे. ठीक है बेटे, चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको बेटा असाइनमेंट में ठीक कर लो. यस, क्वेश्चन नंबर थ्री. फिर से एक डायग्राम दी हुई है, इसको ड्रॉ करते हैं. अब आपको एग्जाम में कैसे भी डायग्राम आ जाए यू विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि आपने बहुत बी अच्छे अच्छे कर ऑप्शन लिए हैं. वेट, डी ई ए बी एंड दिस इज सी. इसमें आपको एंगल गिवन है 67 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 67 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री. ओके, आपसे पूछा गया है एंगल ए,
option. Sorry, A angle is given 40. A angle we have to find out. Okay. जो गिवन एंगल्स है बेटा उनको पहले हमने यूज करना है, उनको हमने केयरफुली देखना है कि वो उनकी पोजीशन क्या है. ठीक है, आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है, वो यहाँ पे है, और जो गिवन एंगल्स हैं वो इसके यहाँ अपोजिट साइड पे है. आपको डायग्राम से क्लियरली पता चल रहा होगा कि ए का रिलेशन 67 से आएगा या 40. सेवन सी कैन आई आस्क नवजोत? यस, बताओगे बेटी 40 डिग्री और ए का क्या रिलेशन है, कैसे टाइप ऑफ एंगल्स है वो, नाम बताओगे उनका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. बेटा देखो ये तो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है. आपको अगर रफ में डायग्राम बनाओगे, एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ पे है. आपको दिख रहा है ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे एंगल, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, तो कैसे एंगल्स होते हैं ये? लीनियर पेयर. ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स, यस. एक यहाँ पे है 40 डिग्री और ये आपके पास यहाँ पे है. बेटे अगर आप डायग्राम को देखते रहोगे ना तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा. ठीक है, आपने एक रफ डायग्राम ऐसे बना लो कि मेरे को दो ये लाइंस पैरेलल चाहिए और एक ये ट्रांसवर्सल चाहिए, तो उसी पे मैं फोकस करूंगी, बार बार उसको देखूंगी कि मेरे को कौन से किस टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को ए एंगल निकालना है तो ए को बार बार देखना पड़ेगा कि वो किससे मैच कर रहा है. एनी डाउट? ए इज 40 डिग्री. ओके, ए इज इक्वल टू 40 डिग्री. इसका आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑप्शन इसकी सी मैच कर रही है. किसी को कोई डाउट है यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी. डाउट है बेटा किसी को? चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन, यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है आपका. फिगर दी हुई है आपको, फोर फिगर्स दी हुई है इसमें, देख रहे हो आप, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एंड फोर, फोर फिगर्स आपको दी हुई है. यू हैव टू चेक कि वेदर एल इज पैरेलल टू एम और नॉट. हर एक में आपको दो दो लाइंस ड्रॉ की हुई है, हर एक क्वेश्चन में आपको देखना है कि एल इसके पैरेलल है कि नहीं है. ओके, फर्स्ट फिगर इज, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है एल और एम, ये टू लाइंस दी हुई है, और एन एक ट्रांसवर्सल है, टी ट्रांसवर्सल दिया हुआ है ये, और इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 130 डिग्री और ये दिया हुआ है 40 डिग्री. आपको ये चेक करना है कि एल इज पैरेलल टू एम है कि नहीं है. बेटे टू लाइंस पैरेलल, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना आप, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस. कैसे? आपको इसमें कोई टू एंगल्स इक्वल करने हैं, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर ऑल्टरनेट, ठीक है, ताकि आप लाइंस को पैरेलल बता पाओ. काइंडली यूज डार्क मार्कर. ओके, कैन यू सी दिस फिगर बेटा? शैल आई ड्रॉ इट अगेन? दिस इज डार्क. इज इट विजिबल? दिस इज विजिबल. आई एम ड्रॉइंग अ बिगर फिगर, बड़ी फिगर बना रही हूं मैं आपके लिए. दिस इज टी, दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 130 डिग्री. बेटे आपको मैं थोड़ा सा हिंट बता रही हूँ, ये आपको पहले पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे, राइट डाउन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दो लाइंस पैरेलल करने के लिए हमें क्या क्या देखना है. पहले ये देखना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए,
ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए? एंगल्स इक्वल होने, और तीसरी कंडीशन, मैं और क्यों लिख रही हूँ बीच में, क्योंकि इनमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तीनों में से अगर कोई एक भी अगर आपने फॉलो कर ली है इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। थर्ड कंडीशन है इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स कि सम ऑफ, दैट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्लीज राइट इट। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन आपने ट्रू कर दी क्वेश्चन में तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है बेटे, हमने हर एक क्वेश्चन में यही देखना है कि कहीं ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल नहीं है, वो नहीं है तो कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल नहीं है, वो भी नहीं है तो कहीं ऐसा ना हो कि इंटीरियर एंगल्स के साथ 180 डिग्री हो। ओके, कुछ भी कंडीशन तीनों में से हमारी जो फॉलो हो जाएगी तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आपका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें मेरे को बता पाओगे यहाँ पे कि ये 130 डिग्री है? ठीक है, वी कैन फाइंड, इसको मार्क कर लो, इसको मार्क कर लो एंगल वन। एंगल वन इज इक्वल टू, सॉरी, आपके पास जो कंडीशन है यू कैन से 130 डिग्री प्लस एंगल वन इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? रीजन क्या बताओगे 130 और 1 का 180 डिग्री है? लीनियर पेयर। वेरी गुड, लीनियर पेयर तो आपको बहुत अच्छे से दिखना आ गया है, लीनियर पेयर, वेरी गुड। अगर ये लीनियर पेयर है तो मैं एंगल 1 निकाल सकती हूँ यहाँ से? कैन यू टेल मी एंगल 1 क्या आ रहा है कैलकुलेट करके? माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50 डिग्री। 50 डिग्री, इसका मतलब कि ये 50 डिग्री है एंगल 1, तो क्या ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं? ये दोनों एंगल से कौन से एंगल बन रहे हैं? 40 एंड 50 कौन से डिग्री है, कौन से एंगल बन रहे हैं, इनके नाम बताओगे? बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, यू हैव टू राइट हियर द रीजन। मैं तो यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ बेटा क्योंकि आपको नीचे विजिबल नहीं है। आई एम राइटिंग हियर कि 40 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 50 डिग्री, देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, therefore L is not parallel to M. You know बेटा, जब हम ये क्रॉस कर देते हैं इसका मतलब होता है कि नॉट पैरेलल। ओके, तो L इज नॉट पैरेलल टू M, क्यों नहीं है? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। सेवन बी क्या हुआ? लुक स्ट्रेट ऑल ऑफ यू, यस, सेकेंड फिगर, पीरियड इज ओवर। ओके ओके बेटे, ट्राई दिस सेट होम। ओके, जितने क्वेश्चन आप कर नेक्स्ट टाइम, ओके, प्लीज रिवाइज दिस एट होम ऑल्सो। चलो, ऑल द बेस्ट। Bye, man.
है।